नमस्कार दोस्तों, अभी हम संदीपनी ऋषि आश्रम में उज्जैन में हैं और यहाँ कुंडेश्वर महादेव जी का जो मंदिर है उसमें है। सामने गुरुजी है और देखिए शिव जी के शिवलिंग पर कैसे किस प्रकार से फूल प्रसाद श्रद्धालुओं ने डाला है। मैं पंडित जी से पूछूंगा, पंडित जी ये क्या है, सब कैसे ये सब लोग ये करते हैं श्रद्धालु? जय श्री कृष्णा। मैं पंडित शैलेन्द्र व्यास, महर्षि सांदीपनी वंशज, महाकाल भस्म पूजन वाला। मैं समस्त श्रद्धालुओं से, भक्तों से निवेदन करना चाहता हूं कि भगवान के मंदिर को, परिसर को स्वच्छ रखने का प्रयास करेंगे। भगवान की शोभा सिर्फ फूल है, पुष्प है, पुष्पमाला, बिल्वपत्र, तुलसी लगाई जाती है। भगवान के मंदिर में प्रसाद, चिरौंजी, मिश्री, शकर, लड्डू, पेड़े फैलाकर अपने धन का दुरुपयोग न करें। प्रसाद का, अमृत का श्रद्धालु के मुख में जाने का प्रयास करें। बाहर खड़े रहकर हजारों श्रद्धालुओं में जितनी सामर्थ्य हो वो प्रसाद बांटकर अपने प्रसाद का, अमृत का उपयोग करें, सदुपयोग करें। अन्यथा मंदिर में भगवान के आसपास कीड़े मकोड़े, चींटियां, मक्खियां, मधुमक्खियां मंडराकर बच्चों को, महिलाओं को काटती है और जब वो रोते हुए जाती है तो आत्मा को बड़ा दुख होता है, क्लेश होता है। और उनका प्रसाद जो फैला हुआ है, आप इसमें भी दिखाओ, वो प्रसाद जब मेरे को कचरे में फेंकने पड़ता है तो बड़ा दुख होता है मेरे को, आत्मा को क्लेश पहुंचता है। श्रद्धालुओं से अपील है कि वे प्रसाद का दुरुपयोग न करें, मंदिर को स्वच्छ रखने में सहयोग करें। जय श्री कृष्णा। गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सही लोगों को ज्ञान दिया है। मैं आपका नाम जानना चाहूंगा गुरु जी। पंडित शैलेन्द्र व्यास, सांदीपनी वंशज। ये धन कुबेर जी है, भगवान श्री कृष्ण, सुदामा जी, व्यास जी की गादी और बलराम जी है। और देखिए सबसे बड़ी बात है ये जो शिला है जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण बैठकर उन्होंने, जिन्होंने विद्या ग्रहण किया है। भगवान श्री कृष्ण भगवान की जय। बालाजी वामन देव, वामन भगवान, यहां सच में हरिहर मिलन होता है। श्री नारायण, ये संदीपनी ऋषि के धर्मपत्नी, अरे कुंडेश्वर महादेव। मुझे सच में आज, मैं आज गुरुजी से मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा, उनसे मिलकर गदगद हुआ। और बस आप सभी से अनुरोध है कि कृपया ये प्रसाद ना फेंके, प्रसाद का सही सदुपयोग करें। धन्यवाद।